दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कूल गैजेट पर, जहां पर न्यू गैजेट की इन्फॉर्मेशन आप तक लेकर आते हैं। ऐसे ही टॉप 7 किचन गैजेट लेकर आए हैं जो आपके कामों को कर देंगे काफ़ी ज़्यादा आसान। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। सोप डिस्पेंसिंग बॉटल ब्रश। दोस्तों देखा जाए तो हम लोग तो काफ़ी तरह की बॉटल का यूज़ करते हैं, पर कुछ बोतलों को साफ करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल कर एक बार जरूर करें देखने में, जिसकी मदद से आप काफ़ी अच्छे से बोतल को साफ कर सकते हैं। आप इसका यूज़ काफ़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक सोप और ऊपर हैंडल में एक बटन दी जाती है, जिसके प्रेस करते ही सोप ब्रश में आ जाता है, जिसे आप अच्छे से सफाई कर लेते हैं। इसे रखने के लिए आपको एक स्टैंड मिल जाता है, जिसमें आप स्टैंड में लगाकर रख सकते हैं। तो इस तरह का गैजेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर परचेस करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाते हैं, जहाँ से आप बड़ी आसानी के साथ इसे परचेस कर सकते हैं। सो सैलड स्पिनर। दोस्तों देखा जाए तो हम लोग सैलड को काफ़ी अच्छे से साफ नहीं कर पाते। वैसे तो सैलड हम लोग को फिट रखने के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, जो हमारे वॉश करने के में गीला हो जाता है। पर आप इस गैजेट की मदद से एक बार ज़रूर लें, जो आपकी सैलड को काफ़ी अच्छे से साफ करता है और सूखा भी देता है और आपकी हेल्थ को क्लीन रखता है। इस और गाइस इसका यूज़ करना काफ़ी आसान होता है। इसमें आपको सैलड को डालना होता है, प्रेस करते एक इनबिल्ट बैटरी जो मूविंग करती है, जो काफ़ी अच्छे से सफाई कर देती है। तो आपको इस तरह का गैजेट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। पोटैटो राइस। दोस्तों इस तरह का गैजेट आपको कमाल का लगने वाला है, जो आपकी किचन यूज में काफ़ी यूजफुल हो जाता है। इस गैजेट की मदद से आप पोटैटो या फिर और भी वेजिटेबल को इस गैजेट की मदद से काफ़ी आसानी से मिक्सचर में काट सकते हैं। बस करना आपको इतना होता है, इसमें पोटैटो को डालना होता है, फिर इसके ऊपर से प्रेस करना होता है, जिसके बाद काफ़ी आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं इसको और बहुत आसानी के साथ ये कट जाता है। तो आपको कमाल का गैजेट ये कैसा लगा हमें कमेंट कर बॉक्स में ज़रूर बताएं। टेबल चॉपर। दोस्तों देखा जाए तो हम काफ़ी तरह की सब्जियां मिक्सचर बनाने के लिए काटते हैं, उनको जिसके काटते काटते काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। पर आप एक बार इस गैजेट को यूज़ करें, जो आपके काफ़ी समय को बचाता है और काम में भी काफ़ी ज़्यादा आराम देता है। इस गैजेट को यूज़ करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। बस इसमें आपको ओनियन जैसी चीज़ों को रख कर प्रेस करना होता है और कुछ ही सेकेंड में ओनियन कट जाता है। इस कमाल के गैजेट का यूज़ करने के बाद बड़ी आसानी के साथ इसे आप साफ भी कर सकते हैं। तो इस तरह के गैजेट को एक लाइक तो जरूर बनता है। स्लाइस राइट। दोस्तों हम लोग इस गैजेट की मदद से वाटरमेलन जैसी चीज़ों को आसानी से काट सकते हैं, जो बहुत ही जल्दी से काफ़ी तेज़ी के साथ काटता है और आपका समय भी काफ़ी ज़्यादा बचाता है, जो आपकी इस तरह की चीज़ों को एक शेप में काटता है, जो सर्व करने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह का गैजेट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। परचेज करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक आपको मिल जाते हैं।
टोसी कॉपर ग्रिल मैट। दोस्तों देखा जाए तो ग्रिल में पकाया गया फूड का टेस्ट अलग होता है, जो कहीं ना कहीं देखने में अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की सिचुएशन को दूर करने के लिए आप इस तरह के गैजेट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक बार इसे इस्तेमाल करके ज़रूर देखना चाहिए, जो आपके फूड को काफ़ी साफ रखता है गर्म। तो गाइस जो ये एक मैट होती है जो काफ़ी ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है, इसका यूज़ आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। फिर चाहे आप किसी भी तरह की चीज़ों को इसमें पका सकते हैं। तो आपको ये गैजेट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। स्टार फिट इजी फ्राइज। दोस्तों हमें पोटैटो को काटने या छीलने में काफ़ी समय लग जाता है, जो कभी इक्वल शेप में भी नहीं कट पाते हैं। पर गाइस आप फिंगर शेप इक्वल काटना चाहते हैं तो इस तरह के गैजेट का इस्तेमाल करें, जो हमारी सब्जियों को इक्वल काटता है। बस आपको इसमें कट के शेप आलू को रखना होता है और फिर प्रेस करना होता है, जिसके बाद फ्राई फिंगर कट हो जाती है। इसका यूज़ और भी कई तरह की सब्जियों को या फल को काटने में किया जा सकता है, जो गाइस को सर्व करने में काफ़ी अच्छा लगता है, जिसे आप आसानी से साध सकते हैं।